धम्म देशना थी वो लास्ट में होती थी, और जब लास्ट में चलती थी तो हमें हमेशा यही लगता था कि चलते रहे और हम सुनते रहे, जो एक बोर्ड बन जाता था और उठने का मन नहीं करता था, ऐसे लगता था कि वो बोलते रहे और हम सुनते रहे। उनके बारे में क्या कहें कि हम, मैं तो कभी ये नहीं कहती कि वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारे साथ ही है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा था कि रात में चंद्रमा आता है तो वो सिर्फ रात में आता है, सूरज जब दिन में आता है तो दिन में ही आता है, वो रात में नहीं आता है। लेकिन ऐसी महान विभूतियाँ होती है जो दिन रात चमकती है और हमें ज्ञानपूर्वक जो भी समाज में संदेश होता है वो देती है। तो मैं वो यही कहना चाहूँगी कि हम ऐसे महान विभूतियों को ऐसे प्रोग्राम करके यही समझाना चाहते हैं कि कहीं हम भूल तो नहीं गए अपने महान पुरुषों को जो हमारे समाज में जन्मे हैं और हमें एक सच्ची राह दिखाई है। तो मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि ऐसे लोगों को हमेशा याद रखें, और उनकी संतान कपिल स्वरूप संदीप स्वरूप नहीं है तो हम सभी उनकी संतानें हैं, जो कि हमें गाइड किया उन्होंने एक शिक्षक के रूप में, एक समाज को उभारने के लिए उन्होंने जो संदेश हमें दिए हैं, जो साहित्य उन्होंने हमें दिया है, जो देश विदेश जाके हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों को, मुझे हमेशा कहते हैं कि नागपुर तो मेरा मायका है, और नागपुर की लड़कियों को वो बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा हमेशा बुद्ध विहार हो, कोई भी मोर्चा हो, कोई भी कैंडल मार्च हो, सबसे आगे रहती है। मैं किसी की बुराइयाँ नहीं कर रही, लेकिन वो ऐसे हमेशा कहते थे, मेरे सर पे हाथ रख के हमेशा कहते थे, बेटा तुम्हारे जैसी के वजह से ही आज समाज आगे जाएगा और आगे जाएगा। तो मैं उनको बहुत दिल से चाहती हूँ, और मैं हमेशा उनको एक शिक्षक के रूप में देखती थी, मार्गदर्शक के रूप में देखती थी। तो मैंने उनके लिए एक छोटी सी कविता बोलने चाहूँगी। गिरते हैं जब हम तो उठाते हैं शिक्षक, शिक्षक जी थे वो हमारे, हमेशा हमारा उंगली पकड़ के हमारा हमें गाइड करते थे। जीवन की राह दिखाते हैं शिक्षक, अंधेरे यहाँ बनकर दीपक, जीवन को रोशन करते हैं शिक्षक। कभी नन्ही आंखों में नमी हो जाती तो अच्छे शिक्षक बनकर हमें हंसाते थे। झटकती है दुनिया हाथ कभी जब, झटकती है दुनिया जैसे आजकल बहुत जुल्म होते हम लोगों पे जो हो रहा है, तो उसको उससे हमें सांत्वना देती थी। उन्हें भी बहुत धमकी भरे खत आते थे, धमकी आती थी, लेकिन वो हमेशा कहते थे अरे मरना तो आज भी है और कल भी है, लेकिन हम जिंदा होके मरे ना, हम मर के क्यों जिए। तो उनकी बात मुझे हमेशा अच्छी लगती थी। आज भी मैं पब्लिक डीलिंग में होती है और कभी ऐसे बातें होती तो मैं कभी नहीं डरती, क्योंकि संविधान हमारे साथ है और महापुरुषों का साथ हमारे साथ है। जीवन नगर है, जीवन समर है, जीवन संघर्ष सिखाती है शिक्षक, देकर अपनी ज्ञान की पूंजी हमें योग बनाते हैं शिक्षक। इस देश और दुनिया के लिए एक अच्छा समाज बनाते हैं शिक्षक, नहीं हो कहीं अशांति बस यही एक पैगाम फैलाते हैं शिक्षक। गिरते हैं जब हम उठाते हैं शांति स्वरूप और जी। जय हिंद, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।